सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहां पर वी वर डूइंग आवर चैप्टर टू, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ऑफ 12th स्टैंडर्ड। ओके, यहां पर ये जो है पार्ट टू है हमारे वीडियो का। पार्ट वन में जो है हमने बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस की है। अगर आपने वो नहीं देखा है सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो फर्स्ट, और फिर ही आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आएगी। क्योंकि उसके अंदर जो है हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं गैसेस की, जो भी गैसेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं हमने, और प्रेशर क्या होता है ये पढ़ा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये पढ़ा है। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है हमारा टॉपिक प्रेशर पर ही चल रहा है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको प्रेशर का बेसिक नहीं समझ में आएगा, और जो हम आज करने वाले हैं ना वो सारी चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी। सो आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पहले वो वीडियो देखिए और फिर ये वीडियो कंटिन्यू करिए, तभी ही आपको सारी चीज़ें जो है आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो। ओके, सो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। ओके, दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और गॉज प्रेशर क्या होता है, ये दोनों ही चीजें हम यहां पर आज जो है समझेंगे। उसे समझने से पहले सबसे पहले जो है हम ये डायग्राम को समझ लेते हैं। ये डायग्राम जो है बहुत ही ईजी डायग्राम है, बहुत ही आसान चीज है इसे समझने के लिए। ओके, सो मैं यहां पे पहले ये डायग्राम समझा देता हूं। यहां पर जो है ना, ये हमने एक सिलेंड्रिकल शेप जो है, कुछ सिलेंड्रिकल शेप का जो है एक बॉडी जो है वो पानी के अंदर डिप किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर। ओके, पानी के अंदर हमने इसे डिप किया है, और पानी के अंदर हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जब पानी के अंदर हम कोई चीज़ डालते हैं तो हर जगह से उस पर प्रेशर अप्लाई होना, फोर्स अप्लाई होना जो है क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस पर जो है ऊपर से एक फोर्स लग रहा है और नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है। दिस इज़ फोर्स F2 एंड दिस इज़ आवर फोर्स F1, ठीक है। यहाँ पर जो है ये प्रेशर है, ये पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उसे हमने P2 कहा है। ये पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है यानी सबसे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसे हमने P1 कहा है, ठीक है। अब ये जो X1 है ना, ये जो X1 है ये एक्चुअली डिस्टेंस है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी नीचे सरफेस से लेकर के ऊपर तक का डिस्टेंस, सिलेंडर के ऊपर तक का डिस्टेंस जो है वो X1 है, और सरफेस से लेकर के नीचे तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, X2 है, ठीक है। तो अगर मैं ये पूरे में से ये थोड़ा सा माइनस कर दूँ तो मुझे ये पार्ट आएगा, और ये पार्ट नथिंग बट अवर क्या है, H है, यानी ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है उसकी हाइट है, ठीक है। तो आइए रीड करते हैं यहाँ पर। कंसीडर अ सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी इज फिल्ड इन अ टैंक फिल्ड विद वाटर। ओके, ये ये हमारी एक बॉडी है सिलेंड्रिकल शेप की, उसके अंदर हमने क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है। तो अब इस सिलेंड्रिकल शेप बॉडी का जो एरिया है वो क्या है, हम किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद X1 माइनस X2, देख सकते हैं आप, मैंने बताया ना आपको कि मैं पूरे में से अगर ये थोड़ा सा माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या आएगा, ये आएगा जो कि हाइट ऑफ द बॉडी है, तो वो है H, वेयर H इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, F1 क्या है, F1 जो है ऊपर से फोर्स लग रहा है, एक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू द वेट ऑफ वाटर, पानी का जो वजन है वो क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और वो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है वो हम देख सकते हैं। F2 क्या है, एक्ट अपवर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द सर्फेस ड्यू टू द वाटर बिलो द सिलेंडर। अब यहाँ पर भी जो पानी है वो भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ अपवर्ड्स जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज़ अवर F2, ठीक है। तो हमने जो भी डायग्राम में बनाया है, डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनाने के बाद ही हमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं लिखनी होती हैं, ठीक है। अब नाउ सेकेंड इज़ mg, ये एक और फोर्स है। mg जो है वो इस सिलेंडर का वेट है ना, और ग्रेविटी जो है उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो मास इनटू ग्रेविटी दैट इज़ द वेट ऑफ द सिलेंडर इट्सेल्फ, तो वो भी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो उसका भी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। अब अगर हम इसे बैलेंस करने जाएंगे द बैलेंस ऑफ ऑल दीज फोर्स इज़ वॉट, F2। अब आपको कैसे समझ में आएगा ये कहाँ से आया, F2 का डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ है, ठीक है, और उससे अपोजिट क्या है,
उससे अपोजिट है mg जो कि नीचे की तरफ है ना। अब ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं f1 इज अ वेक्टर क्वांटिटी, mg इज अ वेक्टर क्वांटिटी, f2 इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो mg अगर f2 को हमने पॉजिटिव लिया है यानी f2 अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव है, तो mg अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा, और f1 भी नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव होगा। अब बैलेंस है इसका मतलब कि इन सबको ऐड करेंगे तो इनका सम्मेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इसी चीज़ को ये माइनस एम जी को हम यहाँ ले लेंगे तो प्लस एम जी हो जाएगा, और माइनस एफ को हम वहाँ ले लेंगे तो प्लस एफ हो जाएगा। तो हमें जो है फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज़ एफ टू इज इक्वल टू एफ वन प्लस एम जी। ओके, आई होप आपको ये बैलेंस कैसे हुआ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, कंसीडर P1 एंड P2 इज़ द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर एंड द बॉटम रिस्पेक्टिवली, है ना। ये तो चीज़ हमने पहले ही देखी कि P1 जो है हमारा प्रेशर है ऊपर एट द टॉप, और P2 जो है हमारा प्रेशर है एट द बॉटम। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, P1 और P2 प्रेशर हमने ले लिया है ना, क्योंकि सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर ले ली थी, हर एक चीज़ F ले लिया, X ले लिया, mg ले लिया, बस प्रेशर बचा हुआ था, तो प्रेशर हमने यहाँ पर ले लिया। अब प्रेशर का फॉर्मूला जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो इसी से हमें क्या आएगा, इसी से हमें आएगा कि फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू पी ए। ये भी हमने पढ़ा था कि अब तक हमने पढ़ा था कि फोर्स हमारी मा थी एम ए, लेकिन अब हमारा फोर्स जो है वो पा भी हो गया है ना, तो यहाँ पर भी वही होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी बॉडी का जो एरिया है वो तो सेम है, लेकिन प्रेशर अलग अलग लग रहा है, और प्रेशर अलग है और फोर्स भी क्या है अलग है। तो हम यहाँ पे एफ इज इक्वल टू पी ए के फॉर्मूला में अगर मैं यहाँ पे वन पुट कर दूँ एफ वन, तो यहाँ पे आएगा P1 into A। अब A क्यों यहाँ पे सिर्फ A लिख रहा हूँ, A1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बॉडी सेम है तो एरिया अलग अलग नहीं हो सकता है ना, तो इसीलिए हम A ही लिख रहे हैं, A1 A2 नहीं लिखेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी F1 is equal to P1 A, और ये चीज़ अगर मैं नीचे वाले के लिए लिखूँ तो आएगा F2 is equal to P2 A। ओके, और ये कहाँ से आया हमें, ये हमें ये फॉर्मूला से आया है। ओके, दिस टू आर द इक्वेशन टू फॉर अस। ओके, अब एक और चीज़ हमें समझनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला, ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को अगर वहाँ जा कर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज़ नथिंग बट मास, है ना। तो यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला आ गया, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है ए मल्टीप्लाई बाय एच, यानी पूरे सिलेंडर का एरिया मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट, और डेंसिटी एज इट इज़। लेकिन हमने यहाँ पर अभी जस्ट लिया कि हमारा हाइट जो है वो क्या है, एक्स वन माइनस एक्स टू है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपनी हाइट की जगह पर क्या लिख दिया, एक्स वन माइनस एक्स टू। तो मेरा जो है इक्वेशन क्या बन गया, एम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाय एक्स वन माइनस एक्स टू, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो इक्वेशन नंबर वन था उसके अंदर m की वैल्यू आ रही थी। अब इक्वेशन नंबर वन में हम ये m की वैल्यू जो आई है ना, इसको सीधा सीधा क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पी टू ए इज इक्वल टू पी वन ए प्लस डेल्टा ए एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें जो है डायरेक्टली पुट कर दी। अभी भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वापस बताता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन वन से ये कैसे आया, यहाँ पे क्या है F2, F2 की वैल्यू क्या है P1 A, सॉरी P2 A, तो F2 की जगह पे मैंने क्या लिखा P2 A। फिर क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है F1 और यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या है P1 A, तो मैंने यहाँ लिख दिया P1 A। ठीक है, फिर क्या है, प्लस M, M की वैल्यू हमें क्या आई, रो A X1 माइनस X2, रो A X1 माइनस X2, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ किसकी वैल्यू है, M की वैल्यू, और वहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ था, G, तो यहाँ पे हमने G जो है वो एज इट इज़ लिख दिया। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, अब क्या देख सकता हूँ मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर A है और ये पूरा जो एक टर्म है मेरा, इसके अंदर भी एक A है कॉमन, तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा, P1 प्लस रो X1 माइनस X2 और G बचा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये a और ये a जो है कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर a नहीं आएगा, ये a और ये a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी a नहीं आएगा, तो मुझे क्या आ गया, p2 का फॉर्मूला आ गया, p2 इज इक्वल टू p1 प्लस रो g x1 माइनस x2।
ठीक है, ये जो जी है मैंने उठा करके पहले लिख दिया है, ओके, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ओके। सो ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, यानी ये टोटल प्रेशर हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमें नेक्स्ट करना है, हमें नेक्स्ट करना है प्रेशर एट डेप्थ। अब ये जो हमने फाइंड किया है ना, हमने एक्चुअली ये क्या फाइंड कर लिया है, एब्सोल्यूट प्रेशर हमने जो है फाइंड कर लिया है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है दैट इज़ नथिंग बट जो पूरा प्रेशर हमारे बॉडी पे लग रहा है वो। अब प्रेशर एट डेप्थ क्या होता है, ठीक है, प्रेशर एट डेप्थ के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वही इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी X1 माइनस X2। मतलब ये जो हमारा अभी जस्ट जो इक्वेशन आया है वही चीज़ को हमने लिखा है। अब क्योंकि ये फ्रॉम 1 से था इसके लिए हमने यहाँ पर भी फ्रॉम 1 लिखा, ठीक है। अब प्रेशर एट डेप्थ H, यानी जब हमारी जो बॉडी है वो अब क्या थी, अब तक जो हमारी बॉडी थी वो पानी के बीचों बीच थी, लेकिन अब हमारी जो बॉडी है ना उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो एट द सरफेस ऑफ द वाटर चला गया है, ठीक है। तो अब प्रेशर एट डेप्थ यानी यहाँ पर कितना प्रेशर लगेगा पूरे पानी पे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्रेशर लग नहीं रहा ना, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब लगने लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो पानी का प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे पानी का प्रेशर नहीं लग रहा है, यहाँ पे अब एयर का प्रेशर लगेगा। तो एच पे यानी ये जो हाइट है, ये जो डेप्थ है ना, वहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है हमको वो फाइंड करना है, दैट इज़ नथिंग बट आवर एब्सोल्यूट प्रेशर, ओके। तो वही हमने जो है अभी जो इक्वेशन फाइंड किया वो लिख लिया। अब कंसीडर करेंगे कि पीओ जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो X1 पे जो प्रेशर लग रहा है वो तो ज़ीरो होगा, क्योंकि वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो P1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा पहले P1 लग रहा था अब वो ऊपर चला गया है, तो उस वजह से हमारा P1 हो जाएगा इज इक्वल टू PO, और X2 हो जाएगा हमारा माइनस एच। अब आप बोलोगे कि सर ये माइनस एच कैसे हुआ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारी बॉडी है ये जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो आप देख सकते हो कि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी जा रही है, इसके लिए हम जो है इसका डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, माइनस एच ले रहे हैं, इसकी हाइट जो है माइनस एच ले रहे हैं, ठीक है। अब P2 इज़ द ओनली प्रेशर विच इज़ अप्लाइड ड्यू टू द वाटर, है ना। P2 ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है पानी की वजह से, क्योंकि P1 पे तो अब एयर का प्रेशर अप्लाई होने लग गया है, तो P2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा P लिखेंगे। अब इन सारे नोटेशंस को हम जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, P2 क्या है हमारा, P है, तो हमने लिख दिया। P1 क्या हो गया हमारा, P ज़ीरो हो गया है, ओके ओके। उसके बाद डेंसिटी हमारा एज इट इज़, जी हमारा एज इट इज़, और H1 माइनस H2 की वैल्यू तो H है, ये हमें पता है ना। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो P इज इक्वल टू P0 प्लस H रो जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आवर एब्सोल्यूट प्रेशर। हियर P इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, H रो जी इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट द डेप्थ। समझ में आया, तो यानी ऐसा प्रेशर जो नीचे से अप्लाई होता है कोई भी बॉडी पे उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। तो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। अब आगे हमको गॉज प्रेशर पढ़ना है ना। तो गॉज प्रेशर क्या होता है, अब हमारा जो फर्स्ट वाला था उसके अंदर हमारा जो सिलेंडर था पूरा डूबा हुआ था, सेकेंड वाले में वो अपर पार्ट जो था उसका सरफेस पे था, अब थर्ड इसमें क्या हो रहा है, थर्ड इसमें जो हमारा सिलेंडर है वो एग्जैक्टली सरफेस पे है और ऊपर वाला सारा पार्ट जो है हवा में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको खुद पता चल रहा होगा कि अभी कौन सा फोर्स अप्लाई होने वाला है, कौन सा फोर्स नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो सरफेस में था उसको हमने क्या लिए थे, P0 लिए थे, तो यहाँ पर भी जो सरफेस पे है उधर भी P0 होगा। अब जो ऊपर प्रेशर हो रहा है ना, अब यहाँ पे वाटर की वजह से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है, इस पर सिर्फ एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ प्रेशर ड्यू टू एयर। तो प्रेशर ड्यू टू एयर को हमने क्या ले लिया है, पी, और उसी को हम कहते हैं गॉज प्रेशर, ओके। द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस चीज़ को याद रखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और एब्सोल्यूट प्रेशर को, यानी पी को और पी जीरो को हम जब माइनस करते हैं तब हमको आता है गॉज प्रेशर, दैट इज पी माइनस पी जीरो इज इक्वल टू एच रो जी, ओके। इसी को हम कहते हैं गॉज प्रेशर। अब क्या है, फाइंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ डिस्टेंस डी, ओके। अब यहाँ पे जो है नीचे की तरफ था तो उसको हम लोग डेप्थ ले रहे थे, ओके, लेकिन अब ये ऊपर चला गया है तो अब हम इसको डी ले रहे हैं, ठीक है। तो X1 कितना हो गया, डी हो गया। फिर P1 का वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, पी पुट कर रहे हैं, क्यों भाई, क्योंकि भाई वही एक प्रेशर है जो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो P2 का वैल्यू तो P0 है।
एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो है क्योंकि वो जो है पानी से लगा हुआ है ना, तो उसकी कुछ हाइट है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चालू करूँगा तो ये ज़ीरो है और यहाँ से यहाँ तक डी है, इसीलिए हम इसको टोटल हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो एक्स टू का वैल्यू जो है हमारा ज़ीरो है और एक्स वन का वैल्यू हमारा क्या है, डी है। और डेल्टा ये जो रो है जो हमारा डेंसिटी, अब जो डेंसिटी ऑफ वाटर तो है ही नहीं तो हम इसको लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एयर। तो इसके लिए हमने रो के साथ सफिक्स में जो है सीधा सीधा एक छोटा सा एयर लिख दिया ताकि पता चले कि हम जो है डेंसिटी ऑफ एयर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब पी इज इक्वल टू पी ज़ीरो माइनस डी, अब इसी को जो है ना समझिए हमने इस तरह से लिख दिया है पी ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, पी ओ प्लस एच रो जी है ना, तो पी ही है हमारा। अब उसके आगे क्या है, पी ओ प्लस एच रो जी है ना, तो पी ओ तो एज इट इज़ है, एच की जगह पे आ गया हमारा डी आ गया है, सॉरी एच की जगह पे डी आ गया है, और रो की जगह पे आ गया है रो ऑफ एयर यानी डेंसिटी ऑफ एयर, और जी तो हर जगह हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। दिस इज़ नथिंग बट योर गॉज प्रेशर, ओके। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि हमको जो है इसी चीज़ को क्या करना है, पुट करना है ये वाले फॉर्मूला में। बस अब यहाँ पे हमारी डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ एयर हो गई है, ये प्रेशर सेम है, और एच जो है दैट इज़ नथिंग बट आवर डी, यानी वो अब हाइट जो है वो अब डेप्थ में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, गॉज प्रेशर ख़त्म हो गया है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ख़त्म हो गया है। इसी के साथ हमारा जो है आज का वीडियो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने आज पढ़ा है कि क्या होता है गॉज प्रेशर और क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है हमने यहाँ पर समझ ली है। इसके बाद का जो टॉपिक है ना, इसके बाद का टॉपिक है हमारा पास्कल लॉ, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पास्कल लॉ के लिए जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे, दैट विल बी अवर पार्ट थ्री ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके नीचे बताइएगा। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।